नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है अपना बड़ा ऐलान कर दिया है और यहाँ पर हर राज्य में जो है राज्यपालों की नियुक्ति करती है। कुछ जगहों पर बदलाव देखने को मिला तो कुछ जगहों पर इस्तीफा भी मंजूर करती हुई वो नजर आई। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार को भी नया राज्यपाल दिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को जो है नए राज्यपाल के तौर पर बिहार में नियुक्ति मिली है। इससे पहले वो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे और इनके जो है ना सियासी घटनाक्रम को देख करके ये माना जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है यहाँ पर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को भेज करके जो है सबसे बड़ा दाव अगले चुनाव के लिए खेला है, क्योंकि राज्यपाल के तौर पर जो है यहाँ पर राजेंद्र विश्वनाथ पर बीजेपी बहुत ज़्यादा भरोसा करती हुई नज़र आ रही है। उनको ये लग रहा है कि इस बार बिहार की राजनीति को पलटने का काम जो है वो उनके राज्यपाल के द्वारा करना आसान होगा। आपको बता दें कि एक तरफ बिहार में सरगर्मी तेज होती जा रही, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है वो बेहद नज़दीक आ चुका है। 2024 में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, ऐसे में बिहार की रणनीति को तोड़ना बेहद ज़रूरी था बीजेपी के लिए, क्योंकि उनको अब कमबैक करना और कमबैक करने के लिए अपने नेताओं को बिहार में एक मजबूत पोजीशन देना बेहद ज़रूरी है। आपको बता दें कि दिल्ली के राज्यपाल जो है वो किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को लेकर के हमेशा हमलावर रहते हैं, जिससे कि अरविंद केजरीवाल को काफ़ी सारे काम करने में दिक्कतें आती हैं और इसके लेकर के वो काफ़ी बार मीडिया के सामने जो है मुखातिब होते हुए अपनी बातें भी रखते हुए नजर आए। अब यही सब कुछ जो है बिहार की राजनीति में भी दोहराने के लिए बीजेपी ने अपना बड़ा दाव चल दिया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है यहाँ पर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को लेकर के नई घोषणा की और उसके बाद जो है बिहार की राजनीति में और भी ज़्यादा तेजी देखने को मिली। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की टेंशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आई। एक तरफ ये देखा गया कि हर जगह पर जो है एक एक नई रणनीति के साथ बीजेपी कमबैक कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बिहार की राजनीति में बीजेपी ने जो है एक छोटे से लेकर के बड़े तक के तमाम राजनीतिक तौर तरीके जो है अपनाते हुए वहाँ पर हर तरह के रणनीतिक पलटवार खेलना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि कभी अमित शाह, कभी यहाँ पर जो है जेपी नड्डा, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छोटे छोटे जगहों पर पहुँच करके भी जनता के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे वोटों की अपील अभी से ही शुरू कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अपने नेताओं को वहाँ पर मजबूत पोजिशन दे करके जो है वहाँ पर एक बड़ा खेला करने की कोशिश भी कर रहे हैं, जिसमें राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का खेला जो है वो सबसे बड़े दाव के रूप में इस वक्त देखा जा रहा है। बहरहाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के यहाँ पर राज्यपाल बनने के बाद आप लोग को क्या लगता है बिहार की राजनीति में कितना बदलाव देखने को मिलेगा? क्या बीजेपी जो रणनीति तैयार कर रही है उसे सच में नीतीश कुमार को झटका लगेगा? क्या नीतीश कुमार जो है राज्यपाल के तौर तरीके से खुश नजर आएंगे या नहीं? राष्ट्रपति के इस फैसले से बिहार में कितना बड़ा भूचाल देखने को मिलेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन तमाम सवाल हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है। उन सवालों का जवाब कमेंट सेशन में आप जरूर दीजिएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।